गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस ऑफ स्काई इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज. ओके एंड इंग्लिश लैंग्वेज आई विल टीच यू प्रॉपर नाउन. ओके स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो आई हैव स्टार्टेड यूनिट 3 द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन. ओके इन द लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू कॉमन नाउन. ओके Today I have to start, I have to explain you proper noun. Okay students, just all of you open page number 9, take pencils in your hand and let's start with me. Okay students, now come on. A proper noun is the special name of a particular person or place. Okay, proper noun is a special name. ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन मतलब किसी खास व्यक्ति का जो नाम है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो स्पेशल नेम है वही क्या है प्रॉपर नाउन. ठीक है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू सी हियर आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू. फॉर इंस्टेंस अशोक इज अ प्रॉपर नाउन फॉर इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय ऑफ वन पर्टिकुलर बॉय. इन द सेम वे न्यू दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी. आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. कीप ओनली जस्ट कीप इट इन योर ब्रेन दैट प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम. किसी का भी जो स्पेशल नेम है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. सपोज देर इज अ क्लास एक क्लास है इन दैट क्लास हाफ ऑफ देम वॉज वर बॉयज. ओके एंड हाफ ऑफ देम आर गर्ल आधी क्या है लड़कियां हैं और आधी क्या है लड़के हैं. ठीक है द वर्ड बॉय एंड गर्ल्स the word boys and girls these words are common noun. ठीक है ये words क्या है boy and girl ये word common noun है. boy means all the boys. I am not talking about a special boy. I am not talking about a particular boy. I am not taking a special name. girls means any of them कोई भी लड़की. ठीक है मैं किसी special girls का नाम नहीं ले रही हूँ. but when I am saying Ria it means it's a name of a particular girl it's a special name then Riya will be called a proper noun. same like that if I am talking about a particular boy that Peter is a good boy then Peter is a special name of that particular boy then Peter is a proper noun and boy means ladka boy is a common noun. okay students and one note is written over here a proper noun always begins with a capital letter. proper noun hamesha kis se shuru hota hai कैपिटल लेटर से शुरू होता है. जैसे आप लोग जब अपना नाम लिखते हैं तो आप किससे स्टार्ट करते हैं. सपोज किसी का नाम रोहन है तो वो क्या लिखता है हमेशा आर को कैपिटल लिखता है. आर स्मॉल लिख के तो रोहन लिखता नहीं है. सपोज योर नेम इज़ अंशिका तो अंशिका स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर ए इट डजेंट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर. ओके इट मीन्स कि ऑल द प्रॉपर नाउन बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. स्टूडेंट्स जस्ट रिवाइज द वीडियो वंस और ट्वाइस यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके टू एक्सरसाइजेज आर हियर विच आई विल गिव यू इन PDF फॉर्म फॉर राइटिंग वर्क इन द कॉपी. ओके स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा. कलेक्टिव नाउन इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन कलेक्शंस का जो नेम है. ठीक है इट स्टैंड्स फॉर कलेक्शन उसी को हम क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन. व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल इट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन क्या है. कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स विच इज टेकन एज टुगेदर जिसको हम एक साथ लेते हैं एक साथ कंप्लीट होल काउंट करते हैं. ठीक है जैसे आई हैव अ बंच ऑफ कीज चाबी के गुच्छे को हम क्या कहते हैं बंच ऑफ कीज. वो क्या है इट इज अ कलेक्शन ऑफ कीज ये कीज का कलेक्शन है. ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड आर्मी स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं आर्मी कहते हैं. सेम लाइक दैट ऑल ऑफ यू कम ऑन पेज नंबर 11 द वर्ड क्राउड स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पीपल. इट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड. इट मीन्स कि क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन ऑफ शीप इज कॉल्ड अ फ्लॉक. इट मीन्स कि फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन विच इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ शेप. ओके सेम लाइक दैट कलेक्शन ऑफ प्यूपल्स को हम क्या कहते हैं क्लास कहते हैं. इट मीन्स कि क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके स्टूडेंट्स
And the exercise 6 and 7, it is the exercise of collective noun. Today, this work I will not give you. This exercise 6 and 7 I will give you tomorrow. Today, I will give you the exercises of proper noun. Okay, students, just revise proper noun, common noun and collective noun. And in next video, I will explain you material noun and abstract noun. Okay, students, till then, you all just stay home and stay safe. Thank you.